पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान की छोटी बहन शांभवी चौधरी अपने बड़े भाई चिराग को जिताने के लिए हाजीपुर में डेरा डाल दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान ने अपनी छोटी बहन शांभवी को जिताने के लिए समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में खूब मेहनत किया था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने भी शांभवी को अपना बेटी बताया था, और इसके बाद से शांभवी को लिए जो धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ, जो धुआंधार जनसंपर्क हुआ, उस जनसंपर्क के माध्यम से कहीं ना कहीं समस्तीपुर में रिजल्ट से पहले शांभवी की एक बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। क्योंकि चिराग पासवान खुद समस्तीपुर पहुंचकर उन्होंने ज़बरदस्त रोड शो किया। अंतिम दिनों में नरेंद्र मोदी से लेकर के सभी लोगों ने शांभवी को खूब आशीर्वाद दिया था। और अब देखिए, बारी है अपने बड़े भाई चिराग पासवान को जिताने के लिए, और इसके लिए शांभवी ने भी हाजीपुर में डेरा डंडा डाल दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाजीपुर में जिस तरीके से शांभवी चौधरी अपने बड़े भाई चिराग पासवान को जिताने के लिए वहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग गांवों में घूमकर शांभवी ने अपने बड़े भाई चिराग के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये शांभवी चौधरी हैं। समस्तीपुर ने जताया है विश्वास, अब हाजीपुर से है जन समर्थन की आस। पिताजी डॉक्टर अशोक चौधरी के साथ हाजीपुर से NDA समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी व हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चिराग पासवान जी के पक्ष में जनसंपर्क कर देवतुल्य जनता जनार्दन एवं अभिभावकों से हेलीकॉप्टर छाप पर मतदान करने की अपील की है। याद रहे क्रमांक संख्या भी वो बताती हैं, यानी कि अपने बड़े भाई चिराग पासवान को जिताने के लिए शांभवी गांव-गांव जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। समस्तीपुर के बाद अब चिराग पासवान के हाजीपुर में शांभवी ने डेरा डंडा डाल दिया है, और शांभवी देखिए कितने सहज अंदाज में, कितने सरल अंदाज में महिलाओं के बीच में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। हमने समस्तीपुर की भी तस्वीरें देखी शांभवी की। शांभवी जिस भी क्षेत्र में जाती हैं ये जताने नहीं देती हैं कि वो बाहर के कैंडिडेट हैं या बाहर से आई हुई हैं। महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्ग से जितने सरल और सहज अंदाज में मिलती हैं, हर किसी को वो मनमोहित कर लेती हैं। और देखिए हाजीपुर में भी शांभवी ने अपनी अलग छाप छोड़नी शुरू कर दी है। जिस सहजता के साथ वो बुजुर्गों से मिलती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, ये दर्शाता है कि अशोक चौधरी ने कितने अच्छे तरीके से शांभवी चौधरी को ट्रेंड किया है राजनीतिक गलियारे में आने की, या फिर अशोक चौधरी का पूरा परिवार आज चिराग पासवान के साथ खड़ा है। चिराग पासवान ने भी भरोसा जताया है शांभवी को जिताने का, और अब देखिए चिराग पासवान के अलावा उनकी छोटी बहन शांभवी चौधरी भी लग गई हैं अपने बड़े भाई को जिताने के लिए। हाजीपुर में धुआंधार जनसंपर्क चिराग पासवान का चल रहा है। लोगों के बीच हाजीपुर में चिराग जाते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं उनसे, और एक गजब का उत्साह लोगों के मन में इस वक्त बैठा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।